तो भाई एट लास्ट हम पहुंच गए हैं गोवा। वेलकम टू गोवा। गोवा ने हमारा स्वागत कर दिया है। अभी हम निकल रहे हैं अपने होटल से। सुबह के बज रहे हैं 6:40 और आज हमारा थर्ड डे। आज हम जाएंगे पुणे टू गोवा। तो ये आज हमारा थर्ड डे है, शुरुआत होता है। और आज हम जाएंगे इधर दूधसागर साइड। तो जो हमारा रास्ता होगा वो होगा, फर्स्ट आएगा आई थिंक सतारा, पहले आएगा सतारा, देन कोल्हापुर, देन वहाँ से बेलगावी होते हुए तो हम दूधसागर जाएंगे। तो और आगे आपको जर्नी में दिखाते रहेंगे कि भाई कैसे कैसे और क्या क्या है। ये हमारी कार अभी तो ज़ीरो दिखा रही है, मैं दिखाता हूँ। ये टोटल 1440 किलोमीटर चल चुकी है, आज थर्ड डे है। और इससे कल जो चली थी 630 के करीब चली थी कल। तो अब चलते हैं, अपना चेकआउट कर लिया हमने यहाँ से। ये दोनों तरफ हाईवे पे चल रही है बिल्डिंग साथ साथ। मस्त शहर है यार पुणे। उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतना ज़्यादा डेवलप्ड, और इतना डेवलप्ड तो पता था लेकिन अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मतलब हाईवे के साथ साथ जिस हिसाब से बिल्डिंग बनी हुई है, इस हाईवे पे थोड़ी गुड़गांव वाली फील आ रही है मुझे। लेकिन गुड़गांव की बिल्डिंग्स इससे भी ज़्यादा अच्छी है इधर से भी, वो तो और भी। लेकिन ये भी अच्छी जगह है, अच्छा शहर है पुणे। पुणे आएंगे कभी तुम एक्सप्लोर करने, आमची पुणे। मैंने इंदौर में भी नोटिस करा था और यहाँ पे भी। यस, सुबह के टाइम अगर आपको अपने रूम पे चाय भी चाहिए ना तो चाय नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर जो किचन स्टार्ट होती है ऑन एन एवरेज ज़्यादातर होटल्स में वो 8:30 होती है। तो इसलिए सुबह की आपको चाय अगर पीनी है तो आपको रास्ते में निकल के ही करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको एक चीज़ और सजेशन दूंगा कि कुछ हल्का फुल्का खा के ही, मतलब खाने का कुछ सामान अपने पास ज़रूर रखना रात को ही, अगर आपको इनसे मतलब जल्दी हाईवे पे निकलना है तो, क्योंकि आपको फिर सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट तो नहीं मिलेगा। या फिर आप 8:30 निकल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया हमारे इस सफर की पहली टनल। व्यू तो बहुत ही अमेजिंग है, और पुणे से जस्ट निकलते ही है। मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि इस टाइम मैं महाराष्ट्र हूँ, ऐसा लग रहा है हिमाचल या उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में हूँ। हिमालयन रेंजेस जैसी लग रही है, तो वैसे ही रेंजेस आई थिंक सह्याद्री रेंजेस हैं। अच्छी लंबी टनल है। तो ये आ गया हमारा आज का पहला टॉल। मैंने पेट्रोल डलवाया है, महाराष्ट्र में तो बहुत ही महंगा पेट्रोल है, 109 रुपये और समथिंग पैसे था, पैसे मुझे याद नहीं आ रहे एग्जैक्टली, लेकिन सबसे महंगा अभी तक का मैंने यहीं पे पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल ने तो हालत ख़राब कर रखी है। अभी तक का सबसे जो चीप पेट्रोल मुझे मिला है वो यूपी में मिला है, 95 रुपीज़ का राउंड था। डे कट गया भाई, अब चलते हैं आगे। और नज़ारे हैं इतने ज़बरदस्त, साइड में राइट साइड में छोटी छोटी पहाड़ियों, उन पे बादल। आज आई थिंक ओवरकास्ट कंडीशन है वेदर में, मेरे को लग रहा है बादल है ऊपर, बारिश की संभावना है। रास्ता बहुत ही प्यारा है, ऐसे में बस पुराने गाने हो किशोर लता के या मोहम्मद रफ़ी लता या इस टाइप से कोई भी पुराने जिसको जो पसंद है सिंगर, और आराम से अपना गाने सुनते हुए सफर का आनंद लेते हुए चलो ऐसे रोड पे। तो ये रोड पे सामने व्यू बहुत अच्छा है, ये एकदम से खड़ा पहाड़ है एकदम सामने और उसके ऊपर पूरे में बादल हो रखे हैं। व्यू यहाँ पे चला के पूरी ऐसी फील आ रही है जैसे उत्तराखंड में चला रहा हूँ, हल्की हल्की बारिश हो रही है और पूरा घुमावदार रोड है ये सामने। रोड बहुत चौड़ा है, रोड तो अच्छा है, पूरी वही वाली मतलब ये पहाड़ी है भी, लेकिन अब तक पूरे रास्ते में हमने एक बार भी ऐसा नहीं देखा था। बीच में से घाट सेक्शन जरूर आए थे लेकिन वो सीधा ही होता है, यहाँ पे पूरा वही घुमावदार रास्ता है अपना हिमाचल उत्तराखंड जैसा, हिमालय वाली फील आ गई यहाँ पे। तो अभी हम आ गए हैं पुणे से लगभग 85 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और अभी हम यहाँ पे हाईवे पे रुके हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट है इस पे रुके हैं, ये साई पार्क इन
अब यहाँ पे चल के चाय लेंगे और देखते हैं, वड़ा पाव मिल जाए तो वड़ा पाव खा लूँगा मैं, देखने में तो अच्छा है और यहाँ से व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं उस तरफ। वहाँ अभी बादल हो चुके हैं, नहीं तो उस तरफ सारे में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वो दिख नहीं रही हैं अभी बादल की वजह से। तो जगह तो बहुत अच्छी है और चल के यहाँ पर पीते हैं अब चाय। तो मैंने ऑर्डर करा है मेदू वड़ा, आ गया है ये, और इसके अंदर जो वड़ा है सांभर, उसको जो सांभर वड़ा हम कहते हैं अपना नॉर्थ इंडिया में, वही चीज़ यहाँ पर मेदू वड़ा के नाम से है। अब खा के देखता हूँ। तो जो मैं मेदू वड़ा खा रहा हूँ ये एक्चुअल में जो हम दिल्ली में सांभर वड़ा खाते हैं उससे डिफरेंट है, देखने में तो उसके जैसे लग रहा था। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है इन कंपेरिजन टू जो हम सांभर वड़ा खाते हैं, तो डिफरेंट है उससे। तो इसमें इतनी ज़्यादा क्रिस्पनेस है, इसमें जो हम नॉर्मली वड़ा खाते हैं वो वाला टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, उससे थोड़ा डिफरेंट ही टेस्ट है। और सांभर भी जैसा जैसे सब्जी वाला जो सांभर होता है, सब्जी वगैरह नहीं है, सांभर तो सेम ही है ऐसे सांभर तो, लेकिन वड़ा बिल्कुल ही डिफरेंट है। मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप महाराष्ट्र खाएंगे तो मेदू वड़ा ज़रूर खाना, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टेस्टी है। जो एक और ही हमने ऑथेंटिक डिश मंगाई है महाराष्ट्रियन डिश, थाली पेठा, तो ये पराठा टाइप ही है, लेकिन इसमें कह रहे 5 तरह का आटा मिक्स होता है जो भैया ने बताया। तो ये कोकोनट चटनी है, ये वही है स्प्राउट्स, ये ग्रीन चटनी, तो मैं ग्रीन चटनी से ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा है, ग्रीन चटनी बहुत तीखी है, इसका टेस्ट मैं क्या बताऊँ, थोड़ा डिफरेंट ही है नॉर्मल पराठा हम खाते हैं उससे, डिफरेंट है क्योंकि कई तरह का आटा मिला हुआ है। एक बार कोकोनट चटनी और ट्राई करता हूँ। एक मिक्स्ड टेस्ट है, चटपटा है पराठा, इसका नाम है थाली पेठा, तो ये भी मैं सजेस्ट करूँगा ट्राई करना। ये वड़ा जो था क्या नाम था इस बड़े का, मेदू वड़ा। हाँ मेदू वड़ा, मेदू वड़ा भी आप ज़रूर ट्राई करना, और ये थाली पेठा, दोनों मेरे को तो बहुत अच्छी डिश लगी। तो जो हमने अभी खाया है यहाँ पे, हमारा 210 रुपये का बिल आया है। ये जो मैं आपको कह रहा था, ये रहा मेदू वड़ा सांभर, ये 70 रुपये का एक था, और ये स्पेशल थाली पेठा। तो मेदू वड़ा तो मैं कहूँगा मस्ट ट्राई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और जो ये है स्पेशल थाली पेठा, ये अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं फॉर चेंज एक महाराष्ट्रियन फूड खाने के लिए। और इसका नाम साई पार्क इन है, ये हाईवे पे ही है बिल्कुल इस वाले पे, जब पुणे से सतारा के बीच में जाते हैं उसके बीच में है ये। तो मुझे तो यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा लगा, और बस दो बस यहाँ पे खड़ी हुई हैं, बस और इतनी सारी कारें हैं, तो ये मशहूर ही है इस रोड पे, अच्छा इसका फूड है इसीलिए इतनी भीड़ है यहाँ पे। तो अब हमने खाना तो खा लिया है, अब हम निकलते हैं आगे के लिए अपनी जर्नी के लिए। हम सतारा पहुंचने वाले हैं, सतारा 21 किलोमीटर बचा है, बड़े छोटे छोटे वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, और हाईवे भी बहुत ही मस्त है, ये काफ़ी अच्छा हाईवे है जो आज वाला है ये पूरा ही। अभी हम 111 किलोमीटर के करीब टोटल चल चुके हैं, और हाईवे भी अच्छा है, और सबसे भी जो नज़ारे हैं इस हाईवे पे बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। मतलब ये जो जर्नी है मुझे लग रहा है कि आज की जो हमारी पूरी जर्नी है ये बहुत खूबसूरत होने वाली है। ये पहुंच गए हैं सतारा, जो लगभग 120 किलोमीटर चलने के बाद आए हमारा वहाँ से। अच्छा शहर लग रहा है, पीछे भी काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब बिल्डिंग्स बनी हुई थी हाईवे पे, यहाँ भी अच्छा है, तो बड़ा ही शहर है सतारा, और काफ़ी खूबसूरत भी है, मतलब इसके आसपास में सारे में पहाड़ हैं। ये अभी हम पहुंच गए हैं कराड़, ये और यहाँ पे ये नलियाँ बिक रही हैं जो हम बचपन में खाया करते थे, पांचों उंगलियों में फंसा के और एक एक करके खाते थे नली को। तो ये कराड़ का ये है टोल प्लाजा, ये हम पहुंच गए कराड़ शहर में, ये कोल्हापुर से पहले है, ये कोल्हापुर यहाँ से है 69, बैंगलोर 680, बट पंजे 305,
तो गोवा का बोर्ड आ गया एट लास्ट, पणजी यहाँ से 305। लेकिन हम पणजी नहीं जाएंगे, हम तो दूधसागर जाएंगे, तो वो तो कम है, हमारा डिस्टेंस तो कम ही बचा। अब हम चल रहे हैं कोल्हापुर में, ये कोल्हापुर बाईपास है एक्चुअल में, ये आउटस्कर्ट्स है कोल्हापुर का। कोल्हापुर वैसे काफ़ी बड़ा शहर है इस रूट का, महाराष्ट्र का, तो मेरे ख्याल से अगर हम पुणे से जब से निकले हैं वहाँ के बाद ही सबसे बड़ा शहर यही है इस रूट का, सतारा से बड़ा है। तो राइट साइड में हमारे चल रहा है कोल्हापुर और हम ये बाईपास में हैं। तो ये अब हम महाराष्ट्र से कर्नाटका स्टेट में इंटर कर चुके हैं और यहाँ पे कर्नाटका में आपको बॉर्डर पर या तो दोनों वैक्सीनेशन होनी चाहिए और आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी होनी चाहिए। तो अभी हमने जो पीछे है जो बॉर्डर था उस पर उन्होंने हमारी कार रोकी थी और हमारा ये बोथ द डोजेस का सर्टिफिकेट का देखा और आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखी। तो वैसे अगर आपकी बोथ डोजेस हैं तो भी मेरे को लगता है कि वो जाने देंगे वैसे, लेकिन आरटीपीसीआर भी चाहिए। सिर्फ कर्नाटका बॉर्डर पे ऐसा है, दिल्ली से लेकर हम यहाँ तक किसी ने किसी भी बॉर्डर पे कोई चेकिंग नहीं है, कुछ पूछ नहीं रहे, सिर्फ कर्नाटका में ही ये स्ट्रिक्टनेस है। तो कर्नाटका में जब आप आएंगे तो अगर कर्नाटका बॉर्डर अगर आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये दोनों डोजेस तो एटलीस्ट होनी चाहिए और आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी हो तो बेटर है। अभी हम बेलगावी से कोई करीब करीब 30-40 किलोमीटर पहले होंगे और ये व्यू देखिए मेरे पीछे, अमेजिंग व्यू है, अमेजिंग। ये देखिए ये आई थिंक डैम है और सामने पहाड़ और रोड और उस तरफ भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब से हम कर्नाटका में एंटर करा है हमने, तब से ही रोड बहुत अच्छी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है मेरे ऊपर और मौसम हद का प्यारा है और सब कुछ अमेजिंग है अब तक। तो अब चलते हैं आगे। ये जो इससे जब से हम कोल्हापुर से चले हैं और अभी बेलगाव आने वाला है, 15 किलोमीटर रहता है, इतने सुंदर व्यूज़ अभी तक के हमारे जो ये ट्रिप के सबसे सुंदर व्यूज़ कहूँगा। वैसे तो काफ़ी बहुत सुंदर सुंदर जगह आई थी एमपी में भी और महाराष्ट्र में भी, लेकिन ये कोल्हापुर क्रॉस करने के बाद जब से हमने कर्नाटक एंटर कराया, कर्नाटक एंटर करने के 15-20 किलोमीटर के बाद जो व्यूज़ हमें दिखने शुरू हुए हैं बहुत ही अमेजिंग है, अब तक के हमारे इस ट्रिप के सबसे बेस्ट व्यूज़ कहूँगा मैं इन्हें। और रोड भी बहुत अच्छी है कर्नाटक में, जब से हमने एंटर करा रोड भी यहाँ की बहुत अच्छी है। जो ये सामने आपको विंड मिल्स दिख रही होंगी यहाँ पे और जो ये आसमान का कलर है ना नीला, मैंने ऐसा कलर मतलब बहुत देखा ही नहीं मेरे ख्याल से। अभी बारिश हुई और एकदम से बादल थोड़े से हटे हैं और मैं रुक के इस जगह को मतलब पोस्ट कार्ड पिक्चर वाली ये पिक्चर है पूरी प्रॉपर। आसमान ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसमें कलर कर दिया है ब्लू कलर का और बादल इतने खूबसूरत इतने खूबसूरत, मैं इस जगह से जाने का मन नहीं कर रहा। अभी हमने अच्छा खासा फोटो सेशन करा भी यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए अपने। बहुत 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 ही खूबसूरत जगह है और वीडियो में तो मैं बोलूँगा 10% ही दिख रहा होगा, अपनी आंखों से देखने में तो बहुत बहुत अमेजिंग जगह है, मज़ा आ रहा है इस जगह में। अभी हम बेलगाम से 12 किलोमीटर पहले हैं। तो अब हम बेलगाम शहर को क्रॉस कर रहे हैं, जो बेलगावी है यहाँ का, इस रूट का मैंने बताया था जैसे आपको, कर्नाटका का सबसे बड़ा शहर यही पड़ेगा। तो राइट साइड में शहर है और ये हाईवे भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, ये बाईपास है सिटी, राइट साइड में दिखा रहा सारी ये इधर, और ये एक पेड़ हमें दिखा है यहाँ पे, यहाँ पे छोटी सी लेक टाइप भी है, जो ये पेड़ दिख रहा होगा आपको राइट साइड में अभी जस्ट ये वाले जो उधर पेड़, इनके ऊपर अलग से डिजाइनिंग है इनकी, इन पेड़ों की। ये रहा लेफ्ट में भी बेलगाम शहर है, ये रहा सबकी टंकियों का कलर येलो है, सबका सेम। सबका सेम है, छत पे जो टंकियां रखी हैं। अब भी मैंने जैसा आपको बताया कि हम बेलगाम से हट के थोड़ा सा फंस गए हैं और लेकिन वही है, इतनी सुंदर जगह, इतनी सुंदर जगह आए हैं, फंस तो गए लेकिन ये यहाँ से व्यू देखो,
चारों तरफ एकदम अलग ही पठार सा है, बहुत ही गजब 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 कहूँगा मैं इसे। मतलब मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत खूबसूरत जगह देखी है, तो मैं इस जगह को भी एक सबसे खूबसूरत जगहों में ही रखूँगा, अपनी अलग ही एक्सपीरियंस है। और ये रोड भी देखिए कैसा है बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर रहा, ये छोटा सा शहर है, हमें बेलगावी से सीधा इधर आना था लेकिन हम कंफ्यूज होके थोड़ा सा वो पहाड़ों की तरफ जो चले गए थे, देसूल वगैरह, वो थोड़ा हटके था वो जगह, लेकिन वो अपने आप में मैं कहूँगा आज के दिन का, हमारे तीनों दिन का, अभी तक थर्ड डे चल रहा हमारा, तीनों दिन का अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था वो। तो अभी हम जो कर्नाटक की साइड से आ रहे थे, तो ये भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर हम एंटर कर चुके हैं। और ये रोड देखिए कितना नैरो है, तो जो अब इधर से हम जो जाएंगे हम पहुंचेंगे मौलेम, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके बीच में से होके जाएंगे, इधर लेपर्ड और जानवर और भी हैं, रास्ता पतला है लेकिन ये कि अच्छा है, वैसे ठीक है, फिर भी ये कि अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जानवर वगैरह हैं, इसमें फोर व्हीलर में तो फिर तो उतना ज़्यादा वो नहीं है डर, लेकिन ये है कि पतला रास्ता है, ये थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा यहाँ पे, वैसे ठीक है रास्ता आपको दिख ही रहा होगा इसमें। एकदम डेंस है ये, दोनों तरफ जंगल ही दिख रहा है, पूरा दूर दूर तक तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, एकदम ही घना जंगल है। तो इस जंगल का नाम है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस को जैसे हम क्रॉस करेंगे तो फिर गोवा ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे, यहाँ से 38 किलोमीटर दिखा रहा है मौलेम। हमें तो वैसे आज तीनों दिन में सबसे ज़्यादा मस्त दिन जो लगा है वो आज का लगा है, आज बड़े ही बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस हुए हैं। कर्नाटका तो बहुत ही खूबसूरत लगा हमें, कर्नाटका सच में बहुत ही प्यारा था, जितना पैच हमने कर्नाटका कवर करा है। अब ये जंगल है, अब इसको क्रॉस करके बस अब गोवा हम पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में, दोपहर का टाइम हो गया, हमने डिनर भी नहीं करा है और सॉरी लंच भी नहीं करा है, लेकिन क्या कहते हैं क्या करें, अब इस जंगल में तो अब उतरने में भी डर है अच्छा डेंस है, लेकिन कारें आ रही हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आइसोलेटेड है कि बिल्कुल आपकी कार होगी, मैं नॉर्मली नोटिस कर रहा हूँ, मैंने बस भी देखी थी एक, देखो कार आ रही है, मैंने अभी एक बस भी देखी थी यहाँ से जो गई थी। तो भैया एट लास्ट हम पहुंच गए हैं गोवा, वेलकम टू गोवा, गोवा ने हमारा स्वागत कर दिया है। और जो पीछे चेक पोस्ट दिखाया था मैंने अभी आपको, वो गोवा कर्नाटक बॉर्डर का चेक पोस्ट ही था, तो जो वो चेक पोस्ट था उसमें क्या कहते हैं जो कर्नाटका साइड कारें जा रही थी उनकी तो चेकिंग हो रही थी, अब उनके हो सकता है वैक्सीनेशन चेक कर रहे थे या रिपोर्ट भी चेक कर रहे थे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो वो है गोवा में एंटर करने के लिए हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया, सीधे उन्होंने वो बूम बैरियर को हटा दिया था और हम गोवा में एंटर कर गए। तो वेलकम टू गोवा हमें भी और आपको भी, अब हमारा कम से कम मेरे ख्याल से 8-9 दिन नेक्स्ट गोवा में ही है और पूरा गोवा एक्सप्लोर करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे साउथ गोवा से और फिर पूरा एक्सप्लोर करते हुए साउथ गोवा को नॉर्थ गोवा की तरफ फिर हम जाएंगे। बोलो, स्टार्ट हो गई है, बोल नहीं रहे आप। अच्छा, अब हम अब हम पहुंच गए हैं गोवा के बॉर्डर पे, मतलब गोवा में जो चेकिंग है वो यहाँ पे हो रही है मौलेम में, वो जो बॉर्डर था वैसे वो पीछे ही था लेकिन जो चेकिंग है चेकिंग यहाँ पर है मौलेम में। अब देखते हैं यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर तो जो मैंने सुना था वो जो दो डोज़ हैं अगर लगी हुई हैं तो आपको अलाउ करेंगे जाने के लिए गोवा में, तो हमें दोनों डोज़ लगी हुई हैं वैक्सीनेशन की, तो मेरे ख्याल से तो वही चेक होगा। तो हमने दिखा दिया अपना ये जो हमें दोनों डोज़ लगी हुई हैं तो उन्होंने चेक कर लिया और हमें आगे भेज दिया। तो गोवा में तो जो एंट्री के लिए है वो है, अगर डबल वैक्सीनेशन आपकी हो रखी है दोनों तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से अगर नहीं होगी तो यहाँ पर कोई टेस्ट वगैरह करते होंगे ये
फिर आपका कोई टेस्ट होगा, फिर देन जाने देंगे। तो डबल डोज इज अ मस्ट टू एंटर गोवा। तो अभी हम मॉलम पहुंच चुके हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि वो जो बॉर्डर पे चेक कर रहे थे, और हम खाने के लिए रुके हैं। ये मॉलम में ही है, मेन मार्केट में रेस्टोरेंट है छोटा सा, नाम तो उसका कुछ लिखा नहीं है बाहर। तो मैंने अभी किंग फिश मंगाई है, और हमने एक थाली भी मंगाई थी, वो तो किरण ने खाई है। तो ये किंग फिश मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अच्छी है, और देखने में मेरे को स्पाइसी लग रही, लेकिन स्पाइसी नहीं है, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा खट्टा बनता आ रहा है इसके अंदर, इसके टेस्ट के अंदर एक सावरनेस है, खट्टा बने, मज़ा आ गया। अब रियल फील आई कि हम गोवा में पहुंच चुके हैं फिश खाने के बाद। तो ये मॉलम के पास में ही है दूध सागर स्पा एंड रिजॉर्ट। ये हमने कर लिया इसमें रूम बुक, और बारिश, इंद्र देवता बहुत ज़्यादा मेहरबान है हमारे ऊपर आज, और लगातार बारिश हो रही है गोवा में, पता नहीं कल होगी नहीं होगी, ना ही हो तो अच्छा है। तो ये पूरा एक रिजॉर्ट है अच्छे बड़े एरिया में, ये सारी जो आपको लाइटिंग दिख रही है ये सब रूम्स हैं अलग अलग। तो हमने रूम लिया है यहाँ पे, 105 नंबर है हमारे रूम का। चलो आपको एक रूम टूर दे देता हूँ, क्योंकि दूध सागर में एक्चुअल में ऑप्शंस बहुत कम है, मतलब एक्चुअल में इस एरिया में। ये मॉलम के पास है जो कॉलम है जहाँ से दूध सागर की ट्रैक शुरू होती है, बहुत ही कम ऑप्शन है। तो ये रूम है, और ये मिला है हमें, वैसे तो इसका रेट जो उस पर था, नेट पे था, वो ज़्यादा ही था, लेकिन ये हमें मिला है 1900 रुपीज़ में। तो अगर आप डायरेक्ट आके यहाँ पे बात करेंगे, माइट भी आपको कोई बेस्ट डील मिल जाए हमारी तरह। ऑनलाइन तो इसका रेट एटलीस्ट 2200 से कम किसी भी साइट पे नहीं आ रहा। तो ये रूम है, और इसमें वैसे मैं आपको दिखा नहीं पा रहा पूरा रिजॉर्ट, की बाहर से बहुत अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन वो बारिश की वजह से सारा रियून कर दिया बारिश ने। बारिश ना हो रही होती तो मैं आपको यहाँ पे सारा दिखा दें, स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है, और ये यहाँ पे सिटिंग एरिया बाहर। तो आज हमारा थर्ड डे कम्प्लीट हो रहा है यहाँ पे। आज जो हमारा जो टोटल टोल टैक्स लगा वो लगा, 6 टोल टैक्स टोटल कटे थे, और 435 रुपये करीब टोल टैक्स लगाया, और जो टोटल कार चली है अराउंड 460-470 चली है। तो आज सबसे कम टोल टैक्स लगाया, उसका रीज़न है काफ़ी सारा जो जंगल वाला एरिया था वो नेशनल हाईवे नहीं था, तो उस पर टोल टैक्स लगा नहीं। और आज का जो हमारा रूट था वो मैंने सुबह आपको बता ही दिया था कि पुणे से और ये सतारा, कोल्हापुर एंड देन बेलगावी होते हुए हम आए हैं यहाँ पे मॉलम, और मॉलम में हमने स्टे करा, और तांबड़ी सुरला का भी हमने आपको जो व्लॉग दिखाया वो तो अमेजिंग प्लेस है, अगर आप इस तरफ आओगे तो ज़रूर जाना। डे कंप्लीट होता हमारा आज, और कल हमारा फोर्थ डे शुरू होगा। तो जो आपने हमारे फर्स्ट दिल्ली से लेकर अब तक के व्लॉग्स अगर देखे हैं, और अगर आपको अच्छे लगे हैं वो व्लॉग्स, तो आप हमारे व्लॉग्स को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और शेयर कीजिए दूसरों से ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है, तो अब हम मिलेंगे आपसे कल मॉर्निंग में, फोर्थ डे जो हमारा स्टार्ट होगा। अब जो हमारा रियल फन शुरू होगा वो कल से होगा, क्योंकि कल से हम गोवा का जो बेसिकली हमारा रोड ट्रिप तो था चलो दिल्ली टू गोवा, लेकिन जो अब गोवा एक्सप्लोर करने का वो है वो हमारा कल से शुरू है। तो गुड नाइट, गुड बाय, और अब मिलेंगे आपसे कल सुबह।